आज के इस वीडियो में मैं आपको अरोमा का डिटेन पैक का डेमो बताने जा रही हूँ कि जब भी मुझे स्किन डल नज़र आती है, मुझे विंटर में सनबर्न होने का चांस नहीं रहता है, सूरज की बहुत कम रेज होती है, बट फिर भी मुझे मेरे कलर में काफ़ी ज़्यादा फर्क लग रहा है। पहले से ज़्यादा डाउन हो गया है कलर, कॉम्प्लेक्शन मेरा काफ़ी फीका पड़ गया है। तो आज मैं ये जो अरोमा का डिटेन पैक है ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो इस फॉर्म में इस तरह से आता है। अब मैं इसको इस ब्रश की मदद से अपने फेस पर अप्लाई करने जा रही हूँ। मैं इसको 10 टू 15 मिनट अपने चेहरे पे लगाकर छोड़ दूंगी और टाइम वेस्ट ना हो मैं इस बीच कुछ काम करती रहूंगी, बट मैं बोलूंगी कम बिकॉज झुर्रियों का एक इसमें रहता है कि आप बोलेंगे किसी भी पैक को लगा के तो मैं भी आपकी झुर्रियाँ टाइप सी आ सकती हैं। आप गोरा होने के लिए कुछ भी उल्टे सीधे तरीके ना आजमाएं, मैं आपको वो ही टिप्स बताऊंगी जो मैं हमेशा से फॉलो करती हूँ और जो बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज़ हमारी स्किन का मामला है तो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ ना करें बिना सोचे समझे। कोई भी मार्केट में मिलने वाली क्रीम आप झट से ना लाया करें। साथ के साथ मैं आपको बताती चलूं कि मैंने जो पार्लर का ट्रीटमेंट का जो कोर्स होता है फेशियल से स्किन से रिलेटेड और जो मेकअप का, तो वो प्रोफेशनल मैंने किया हुआ है। और जब भी मैं कोई भी क्रीम वगैरह जो चेहरे से रिलेटेड हो हमारी स्किन डिजीज़ को सही करने के लिए, जो भी मार्केट में कॉस्मेटिक या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसको एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो हमें सेल आउट करते हैं प्रोडक्ट, उनसे डेमो लेकर ही और पूरा अच्छा साइंटिफिकली उसको समझ कर ही मैं अप्लाई करती थी अपने फेस पे, क्योंकि हर चीज़ का एक इफ़ेक्ट होता है, हर चीज़ रिएक्ट करती है। तो ऐसी कोई चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी जिससे हमारी स्किन को कोई हार्म हो, नुकसान हो। फ्रेंड्स, यकीन मानिए आप डिटेन का ये जो पैक है इसको आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो गया तो आप एक बार ब्रश को वापस उस पर फेर लें। यहाँ नोज़ पिन पे मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसमें से इसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, पास की जो भी जगहें हैं उसको एक बार अच्छे से आप जो हमारी बाउंड्रीज होती है लिप्स की उस पर भी अच्छे से आप अप्लाई कर लें। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने अपना चेहरा क्लीन कर लिया था क्लीनर से और मॉइस्चराइज़र से जो दूध का बना होता है। और अगर आपको मॉइस्चराइज़र नहीं मिल रहा है तो आप जो भी कच्चा दूध है उसमें सम ड्रॉप्स वाटर की ऐड कर भी आप अपने चेहरे पर कॉटन की मदद से चेहरे को आप मॉइस्चर कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जो भी डस्ट आपके चेहरे पर लगी होगी तो वो भी उस पर आ जाएगी। जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मैं नेक पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी नेक डिफरेंट ना लगे।
तो अभी आपको मैं बताने के लिए इतना ही अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके ज़्यादा यहाँ पे ब्लैकिश है तो आप थोड़ा सा इसको यहाँ भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको आफ्टर 20 मिनट्स का मेरा इसका व्यू बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद। हेलो फ्रेंड्स, ये व्यू है मेरे डिटेन पैक को धोने के बाद का, और मैं शूट कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन। मैंने इसको 20 मिनट रखा है, मैंने आपको 15 मिनट बताया था, बट मौसम इतना मॉइस्चर वाला होता है ना विंटर का, तो मुझे तो इसमें 20 मिनट समथिंग लग गए। तो मैंने अभी जस्ट इसको वॉश किया है और टॉवल से सोक करके आपको रिसेंटली ये व्यू मैं दे रही हूँ वीडियो के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं मुझे इससे जस्ट पहले इसको लगा इस पैक को लगाने से पहले अपने पोर्स महसूस हो रहे थे। मैं फील कर पा रही थी कि वो ब्लॉक हो रहे हैं, बिकॉज़ डर्ट इतनी थी कि ट्रैवलिंग में काफ़ी दिन से मैं अपने चेहरे की साफ से क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। डीप क्लीनिंग तो बहुत दूर, जो नॉर्मल क्लीनिंग है वो भी मैं इसको नहीं दे पा रही थी। और होता क्या है कि हमारे पोर्स धीरे धीरे डर्ट और जो भी ग्रीसी जो भी चीज़ें हमारे पसीने या हमारे मेल से चिपकने लग जाती हैं, तो हमारे ओपन पोर्स को धीरे 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 फिल होके और बंद करने लग जाती हैं। इससे हमारी स्किन को जितनी ऑक्सीजन चाहिए ना, वो इतनी ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाती है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि कोई ना कोई पैक, अगर आपके पास टाइम कम है तो कोई ना कोई पैक आप ज़रूर लगा लें, और वक्त है तो आप डीप क्लीनिंग खुद भी कर सकते हैं घर में, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बस आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करता है। तो मुझको अरोमा भी सूट कर जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई और डिजीज़ है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं या आपको कोई हार्ट डिजीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर या माइग्रेन का कोई ज़्यादा इश्यू है, तो प्लीज़ आप अरोमा वाले प्रोडक्ट्स को अवॉइड करके नॉर्मल विदाउट अरोमा इसको ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें कोई एसेंशियल ऐसा ऑयल होता है तो हो सकता है आपके कोई नर्व सिस्टम पे या किसी चीज़ पे वो ज़्यादा पावरफुल रहे और आपको वो सूट ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये था डिटेन को लगाने के बाद का मेरा फेस का लुक, और मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। और अरोमा की जो भीनी भीनी खुशबू होती है, उससे आपका माइंड में भी काफ़ी पीस आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी स्किन अब अच्छे से ऑक्सीजन को ले पा रही है। तो फ्रेंड, आगे भी आपके साथ मैं ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स शेयर करती रहूँगी, और मुझे बताइएगा आज का आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि पैक में मोस्टली जब ही लगाती हूँ जब मुझे नहाना होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।